नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.2 का दूसरा प्रश्न हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। आशा करता हूं आप इसे ध्यान से समझेंगे। प्रश्न है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। देखिए बच्चों, हमारे पास एक त्रिभुज है पी क्यू और आर। पी क्यू पर बिंदु ई और पी आर पर बिंदु एफ हमारे पास क्रमशः स्थित है। तो हमें बताना है कि ये जो ई एफ होगी ये क्यू आर के समांतर है या नहीं है। इसके तीन भाग है। प्रथम भाग हम करने जा रहे हैं। देखिए, प्रथम भाग के हिसाब से पी ई है 3.9 सेंटीमीटर, EQ है 3 सेंटीमीटर, PF है 3.6 और FR है 2.4। हम जानते हैं यदि EF QR के समांतर है तो यह आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सिद्ध करेगी, उसके लिए ठीक होगी। और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार PE बटा EQ बराबर होना चाहिए PF बटा FR के। तो हम देखते हैं कि क्या यह अनुपात बराबर है या नहीं है, यानी कि हमें देखना है PE बटा EQ। तो देखिए, PE बटा EQ, PE है 3.9 सेंटीमीटर बटा EQ है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कर गया, दशमलव हटाया तो नीचे लग गया 30। तीन के पहाड़े में काट दीजिए, 3 × 30 13 × 39। इसका मतलब इन्हें काटने से हमें जो अनुपात प्राप्त होगा वो होगा 13/10। इसी प्रकार से बच्चों हम अनुपात निकालेंगे PF बटा FR का। PF बटा FR, PF बटा FR है, PF है 3.6 सेंटीमीटर बटा FR है 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, यह दशमलव हटाएंगे तो नीचे गुना 10 लग जाएगा और यह दशमलव हटाएंगे तो ऊपर गुना 10 लग जाएगा। 10 से 10 कट गया। यह है 36 और यह है 24। 12 के पहाड़े में 12 × 24 और 12 × 36, यानी कि हमारे पास जो अनुपात आया है वह आया है 3/2। तो आप देख सकते हैं ये जो दोनों अनुपात हैं ये बराबर नहीं आए। 13/10 3/2 के बराबर नहीं आया, यानी कि PE बटा EQ यह PF बटा FR के बराबर नहीं आया। अतः यह जो लाइन है EF यह QR के समांतर नहीं है। यदि यह अनुपात बराबर आया होता तो हम कहते कि यह समांतर है, परंतु क्योंकि यह अनुपात बराबर नहीं आया, PE बटा EQ PF बटा FR के बराबर नहीं आया, इसका मतलब EF ने PQ और PR को बराबर अनुपातों में नहीं बांटा। यदि नहीं बांटा इसका मतलब EF जो है वह QR के समांतर नहीं है। यही हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम में पढ़ा था। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्न एवं इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर बाकी वीडियोस अच्छे से देखकर प्रश्नों को समझ सकते हैं। धन्यवाद।